Because I have a family to look after. So the maximum amount that I can pay after selling the land of my father, आपके बच्चे वगैरह का है क्या? कुछ नहीं है। The issue will never never be resolved because ये मैरिज करेंगे नहीं, और जब तक ये मैरिज करेंगे नहीं, हमारी लाइबिलिटी रहेगी कि इनको हम मेंटेनेंस पे कर। ऑन दी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग द माई लॉर्ड वॉज ऑफ द सजेशन दैट इन ऑर्डर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज द ओनली सोल्यूशन इज दैट द पार्टी शुड पे अ लमसम अमाउंट सो दैट द डिस्प्यूट में बी सॉल्व माई लॉर्ड एंड पूरा। लॉर्डशिप ने बोला था कि कैलकुलेट करके बता देंगे कितना बचा हुआ है। तो आज दिनांक तक लॉर्डशिप जो हमको लेना है, वाइफ है, 6,34,000 रुपए बचा है, जिसमें स्त्री धन का 2,74,000 पेंडिंग है। सर बिकॉज आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर सो द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन पे आफ्टर सेलिंग द लैंड ऑफ माई फादर वुड बी अराउंड 7 to 8 lakhs माई लॉर्ड। ठीक तो है, बिल्कुल। लॉर्ड 6,34 बचा है लेना, हाँ और ये अगर बोल रहे हैं 7 lakhs हमको देंगे तो हाँ लॉर्ड उसके बाद वी विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस क्योंकि हम एक मुश्त ले लेंगे। लॉर्ड तो आई एम नॉट री मैरिड, मैं तो उनकी वाइफ थी, डिवोर्स हो गया है, सर्टिफिकेट आपके बच्चे वगैरह का है क्या? कुछ नहीं है। इन्होंने रीमैरिज नहीं करी है हमने सर, रीमैरिज, हमने क्यों नहीं कर ली रीमैरिज है, करें? हम हमारे नहीं दो रीमैरिज बच्चे हैं, करें, हमारे हमने दो रीमैरिज बच्चे करके हैं। इनके बच्चे हो अरे गए। भाई बैलेंसिंग करो भाई, ऐसा तो एकदम मती मत करो। मैं एक द बात इशू सर, विल नेवर नेवर बी रिजॉल्व बिकॉज ये मैरिज करेंगे नहीं, वो और नहीं जब तक करो ये मैरिज करेंगे नहीं, हमारी लाइबिलिटी रहेगी कि इनको हम मेंटेनेंस पे तो करते एक रहे। काम करो ना, सब मिला के टोटल 10 लाख का पेमेंट करो, खत्म करो, मतलब 10 लाख हो जाएगा। आठ आठ और मिला के फ्यूचर का भी मीटर बंद करो और हमेशा के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, थोड़ा कुछ कंसिडर मत करो। करके वही भी रहे फॉर एवर होगा, क्योंकि हर बार ये कितना मेंटेनेंस मिल रहा है अभी हर महीने, तो 5,000 रुपया 5,000 महीना का ऑर्डर तो है। आप, ये मेंटेनेंस सर 1,500 था, फिर उसके बाद तीन बार ठीक है बढ़ते ना, बढ़ते तो बहुत कितने साल से अलग रह रहे दोनों का? प्लॉट अलग तो बहुत समय से रह रहे हैं लोग, काफी कितना टाइम हो गया, कितना 2018 से, मतलब 2009 की बात है सर ये। नौ हाँ से नौ से आज कितने साल हो गए? 15 साल तो हो गए। जी होम लोन इसमें डिफिकल्टी, हालांकि बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है, 2018 से एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, आ नहीं रहे तो उसमें वारंट गया हुआ है। ठीक है भाई, इसीलिए तो सब यहाँ पे आ गई, इसीलिए तो सब चीजें हो रही है। हाई कोर्ट में आगे 10 लाख को करो, खत्म करो। नो नो नो, वी विल टेक इंस्ट्रक्शंस हाँ ले दैट लीजिए। द पार्टी इज केपेबल टू। हाँ, करिए आई हमें, ऑल्सो सॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय, यस यस, बुला लीजिए दोनों को। आप हमारी पार्टी तो आए हैं सर, आज आए हैं, नहीं बट तो नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट पे मैं इन्फॉर्म करके बुला लूंगा जब अब भी बुला आप। लीजिए, आप लोग अपना आपस में चर्चा करके बताइए। और क्या, 12 नवंबर को लगा दो, हाँ ठीक है, 12 नवंबर फॉर द पार्टीज टू अपियर बिफोर दी पार्टीज आर अपीयर टू बिफोर दिस कोर्ट एज दे आर लॉर्ड इंटेंट टू रिजॉल्व द इशू बाय बाय मेकिंग फाइनल सेटलमेंट। ऑब्लाइज। ऑब्लाइज।